आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी। मलाई बोटी की इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है और बहुत ही मज़े की बनती है ये। इसमें मेरे पास 2 kg गोश है, तो बना के मैं फ्रीज भी कर सकते हैं आप इसकी लेयरिंग करके, तो मैं थोड़ा सा बना के फ्रीज कर दूंगी। 2 tablespoons मैंने लिया है वाइट पेपर, 2 tablespoons जीरा पाउडर, 1 tablespoon भर के नमक और 1 tablespoon गर्म मसाला पाउडर। ये मैं 2 kg का बता रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 1 kg का लिख दूँगी। ये 2 tablespoons भर के है जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसमें मैंने 15-20 हरी 2 tablespoons भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 15-20 जो है मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल के बारीक पीस लिया। ठीक है, सब चीज़ों को ये हम चिकन में डाल देंगे। 2 kg चिकन है मेरे पास, सब चीज़ें इसमें डाल के आप इसका पराठा रोल बनाएं, वैसे खाएं, रोटी से खाएं, जैसा दिल चाहे खाएं। 4 tablespoons में डाल रही हूँ दही, थिक दही है पानी के बगैर। साथ में 2 to 3 tablespoons में डालूंगी मलाई। बट फिर याद रहे कि मैं 2 kg के लिए बना रही हूँ, आपको मैं 1 kg का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो सीख में पिरोएं, चाहें तो मैं आपको चूल्हे पे बनाना सिखा रही हूँ। इसी चीज़ को आप सीख पे पिरो लेंगे तो मलाई बोटी सीख वाली हो जाएगी, लेकिन सीख पे पिरोने से पहले आप इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको चूल्हे पे बता रही हूँ। फ्राइंग पैन के अंदर एक कोयले का धुआँ देंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये मलाई बोटी की मैरिनेशन हो गई, इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद इसकी हम थ्रेडिंग करेंगे, इसको बैम्बू स्क्यूअर्स में लगा के और हम फिर फ्राइंग पैन के अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए मैरिनेशन हो चुकी है इसकी और अब हम इसको थ्रेडिंग करेंगे। अच्छा, जो बिगनर्स है वो हमेशा याद रखें, ये देखिए यहाँ से गुजारना है, दोनों उंगलियों के दरमियान बोटी पकड़ के और ये ऐसे करके या फिर 2 उंगलियों के दरमियान। ऐसे नहीं कीजिएगा कि आपके हाथ पे लग जाए, बैम्बू स्क्यूअर्स जो होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं आगे से। ठीक है, ये देखिए इसको करके देखिए कितना अच्छा सा गल चुका है ये। ये सब हो गया, अब जो मसाला बचा है वो इसी के ऊपर सारा लगा देंगे। ठीक है, अब आप इसको जो टाइम है इस वक्त आप चाहें तो इसको फ्रीज कर दें और चाहें तो बना लें। ये आप फिर 2-3 दिन स्टिक, जैसे हम शामी कबाब वगैरह फ्रीज करते हैं बीच में क्लिंग फिल्म और ये सब लगा के, ऐसे लगा के इसको आप आराम से फ्रीज कर दें। 2 हफ्ता बहुत सुकून से चल जाता है। सुबह को निकाला नाश्ते में देना है, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं उनके लिए ये बड़ा आइडियल रहता है। ठीक है, अब हम इसको फ्राइंग पैन में बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरह कर लिए, अब सारा मैं इस पैन में डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए सब इस पैन में डाल दिया मैंने, कुछ मैंने फ्रीज कर दिए। ठीक है, ये भी हो जाए, कोयला मैं ला रही हूँ और धुआँ देती हूँ। बस इसको स्मोक देंगे और ये हमारी मलाई चिकन तैयार।